आपकी शिक्षा भर्ती के अभ्यर्थी जो है धरना दे रहे थे, घेराव कर रहे थे आपके आवास। देखिए माननीय न्यायालय का जिस तरह से निर्देश आया है, हम सब लोग हित चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति का हित हो, किसी के भी अहित में सरकार कोई निर्णय नहीं लेना चाहती है। जिस तरह से माननीय न्यायालय का जो निर्णय आया है उसके अनुसार हम सब लोग कार्य करेंगे। माननीय न्यायालय ने हमको समय दिया है 3 महीने का, हम सब लोग इस पे कार्य करते हुए और न्यायालय के अनुसार हम सब लोग कार्य करेंगे। भर्ती वाले अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं कि सरकार अन्याय कर रही है हम लोगों के साथ, बैकवर्ड जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं घालमेल किया गया। देखिए कोई सारी चीजें पारदर्शी तरीके से करी जाएंगी और जिस भी तरह के माननीय न्यायालय के द्वारा हम सब लोगों को निर्देश प्राप्त हुए हैं उन सारी चीजों के ऊपर कार्य किया जाएगा। और किसी भी जैसा कि मैंने कहा कि सरकार किसी का भी अहित नहीं चाहती, हर एक व्यक्ति का हित ही चाहती है, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे कोई सा भी समाज हो, हर एक समाज को साथ में लेकर के चलना चाहती है। नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी और जो भी माननीय न्यायालय का